हमने उसमें प्लानिंग में सबसे पहले देखना है हमारे गोल्स क्या हैं, हम गोल सेट करेंगे, हमारा विजन क्या है और हमारा मिशन क्या है। इसमें ये चीज़ें आएंगी, स्कोप आएगा, हम कितना हमारा बजट है, ये सारी चीज़ें देख के स्कोप देखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट होगा हमें, उसका एक असेसमेंट करेंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग आएगी, उसमें हमारे टाइम मैनेजमेंट, सारी अरेंजमेंट, कितने किस तरह के इवेंट्स हम कर सकते हैं, एनिवर्सरी हो गया, लाइक बर्थडेज के एंड इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाएंगे, इसमें इसकी सारी डिटेल्स, उसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे हमारे, फाइनेंस का, किचन का, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और वर्क किस किस को, डिवीजन वर्क डिवीजन आएगा, किस किस को क्या वर्क देना, इवेंट्स क्या काम, किस 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 का काम जो है ना उसको बांटना है। उसके बाद लीडिंग में हम लोग वर्कर्स एम्प्लॉयज पे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देंगे। देन रिस्क हैंडलिंग, किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट को अच्छे से करने के लिए उस पर रिस्क ही होगा उसका, तो वो इस रिस्क हैंडलिंग मोटिवेशन, ये चीज़ें हम लीडिंग में कंट्रोल करेंगे। उसके बाद कंट्रोलिंग आता है, जिसमें हम मॉनिटर करेंगे हर चीज़ को, हर एक एम्प्लॉय को, और क्वालिटी मेजरमेंट देखेंगे, क्वान्टिटी मेजरमेंट देखेंगे, अगर किसी हमारे गेस्ट ने कुछ मंगवाया उसकी क्वालिटी अच्छी हो 100%, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे लिए